अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मामा क्या कहते हैं, भिंडी गोश्त बना रही हैं तो बाबा के लिए बना रही हैं। मुझे तो भिंडी पसंद नहीं है पर्सनली, बाकी मामा आप बताएं आप क्या क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग भिंडी गोश्त बना रहे हैं। तो ये हमारे पास भिंडी है, ये गोश्त है, प्याज है, टमाटर है। तो प्याज हमने 3 अदद लिए हैं, 3 अदद ही टमाटर लिए हैं हमने, 7 जो है ग्रीन चिलीज लिए हैं और 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन लिया है और 1 ही टेबलस्पून हमने नमक और मिर्च का लिया है और 1/2 टीस्पून हमने जो सा है हल्दी का लिया है और 1/2 ही टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है, सूखा धनिया जो है वो पाउडर लिया है। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मा जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा डाल रही हैं। गाइज़ जब तक मम्मा इंग्रेडिएंट्स डाल रही है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें वीडियो को। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें यार। मम्मा अच्छे अच्छे रेसिपीज़ वगैरह लेकर आती हैं। बाकी यहाँ पर मम्मा जो है 1 ग्लास पानी डालती हैं, है ना, और अब मम्मा थोड़ा मिक्स करेंगी और उसके बाद आई थिंक चूल्हे पर चढ़ा देंगी, हाँ स्टोव पे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको बंद। अब जब तक गोश्त रेडी होता है तब तक हम जो सा ना अपना भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें अपना भिंडी को डाल दिया फ्राई होने के लिए। जैसा कि भिंडी अब फ्राई हो रही है और साथ साथ मैं गोश्त को भी चेक कर रही हूँ कि उसका पानी ड्राई हुआ है और वो गल गया है कि नहीं। यहाँ पे गोश्त को भूनने के बाद मैंने भिंडी को भी फ्राई कर लिया है और जब गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो मैंने भिंडी को उसके अंदर डाल के, तो मैं जो सा अब अच्छी तरह से गोश्त को और भिंडी को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि भिंडी डालने के बाद गोश्त में मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा नींबू, उससे एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और दूसरा भिंडी जो सा ना वो हमारी खुलती नहीं है, यानी कि वो टूटेगी भी नहीं इजीली, जैसा कि चम्मच चलाने से भिंडी टूट जाती है ना, अगर नरम हो जाए तो वो सब नहीं होगा। और इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूँ। तो यहाँ पे मामा ने पका लिया है और मिक्स भी कर दिया। तो अब मामा क्या कहते हैं डालेंगी बाबा को और बाबा अब आपको रिव्यू देंगे कि कैसा क्या सालन। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। तो गाइस आज तो भाई भिंडी गोश्त बनाया, आज मेरी बेगन ने भिंडी गोश्त बनाया, तो खा के देखते हैं भाई के कैसा बनाए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले भाई देखें, ये देखें ये है भिंडी और ये है गोश्त, ठीक है। थोड़ा सा मैं डालता हूँ, बल्कि थोड़ा क्या भी पूरा ही पराठा चट करूँगा। ये लें, अच्छा गाइस ये देखें, ये है पराठा। ये यहाँ के ना, ये इंडिया के इंडियंस जो होते हैं मलबारी, वो लोग बनाते हैं ज़्यादातर, पर यार बहुत मज़े का आता है, इसको चाय के साथ खाओ तो और ही मज़ा है। तो अभी इसके साथ खाऊंगा मैं और चेक करेंगे कि क्या मज़ा आता है। मुझे ना घर खाने में दही खाने का बहुत शौक है, योगर्ट, तो आप भी ज़रूर अगर आपको पसंद है तो यूज़ कर लेना, नहीं तो नहीं, मैं बहुत शौक से खाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरे मुँह में तो अभी पानी आ रहा है। सबसे पहले लो जी पहला निवाला लेते हैं, गोश्त गला कि नहीं गला, गोश्त भी गल गया हुआ है। तो लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें गाइस, ये देखें क्या क्या मलाई। ये देखिए, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, ऐसे योगर्ट लगाना है और अच्छा बताएं किस किस को भिंडी गोश्त पसंद हो। लो जी ये देखें, ये बड़ा पीस निकालते हैं ये गोश्त का, ठीक है। और ये मैंने पकड़ा दोबारा से भिंडी और योगर्ट के बगैर भी, योगर्ट के साथ भी देखें लगा के। मज़ा आ गया। अच्छा मुझे ना सैलड भी, मैं तो नहीं वाला लेता हूँ सैलड का। जी गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत मज़ा, मुझे भूख इतनी लग रही है और मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं खाने में ध्यान दूँ,
अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और दुआओं में याद रखना। और गाइस एक और बात, दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलना, ज़रूर पढ़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।